चलिए फ्रेंड्स, आज बनाते हैं मुंबई स्पेशल स्ट्रीट फूड की रेसिपी, जिसके लिए मैंने देखे यहाँ पे 8 से 9 आलू बॉईल कर लिए हैं और इन्हें अच्छे से कूल डाउन होने देना है। बिल्कुल गर्म नहीं होने चाहिए, बिल्कुल ठंडे होने हो जाने चाहिए। चाहे आप फ्रिज में रख कर आप इन्हें थोड़ी देर ठंडा कर लीजिए, या फिर रात को बॉईल कर लीजिए और सुबह इसके लिए प्रिपरेशन कर लीजिए। मतलब अच्छे से कूल डाउन होने चाहिए, बस ये रेडी है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स प्लीज़, जो चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन को क्लिक कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ देखिए, मैंने सारे आलू को छील लिया है और इन्हें मैंने कद्दूकस से ग्रेट कर लिया। आप चाहे आलू मैशर से मैश कर लीजिए। और इसमें मैंने धनिया ऐड कर लिया है, खूब सारा धनिया ऐड कर लीजिए। यहाँ मैंने कुछ बेसिक मसाले ऐड कर लिए, लाल मिर्च पाउडर और नमक, थोड़ी सी हल्दी पाउडर। जो भी सारे बेसिक मसाले हैं वो सारे ऐड हो जाएंगे इसके अंदर। जिस तरह हम आलू पराठे के लिए बैटर रेडी करते हैं, सेम वैसे ही। और मैंने इसमें धनिया पाउडर ऐड कर लिया और थोड़ा सा गरम मसाला। और मैं ऐड करूँगी फ्रेंड्स इसमें आमचूर पाउडर, ये देखिए थोड़ा सा ही ऐड करूँगी। अगर ये आप ऐड नहीं करना चाहते तो इसके बदले आप चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं। और थोड़ा सा मैंने क्रश करके अजवाइन को ऐड कर लिया है। अब अच्छे से इसे मिक्स कर लीजिए। आप चाहे स्पून से कीजिए या फिर हैंड के सहायता से ही इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और मिक्स करने के बाद इसकी इस तरह की छोटी छोटी बॉल्स बना के रेडी कर लीजिए, जो कि हमें आसानी होगी रेसिपी में। जी फ्रेंड्स, आज बना रहे हैं हम वड़ा पाव, मुंबई का स्ट्रीट फूड, बहुत पसंद किया जाने वाला। मुंबई में ही नहीं, ये तो अब हर जगह ही पसंद किया जाता है, छोटे बड़े सभी को पसंद आता है। यहाँ मैंने एक कटोरी बेसन ले लिया है और उसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए मैं एक बैटर रेडी कर लूँगी इसका। थोड़ा थोड़ा ही पानी ऐड करना है इसमें। और देखिए, इस तरह एक बैटर रेडी हो जाएगा। और एक साथ पानी नहीं ऐड करना, नहीं तो ये या तो पतला हो जाएगा या फिर लंग्स गिर जाएंगे। और इसमें थोड़े से मैंने मसाले ऐड कर लिए। मैंने मिर्च पाउडर, नमक, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, जो मसाले मैंने आलू बैटर में डाले थे वही मसाले मैं इस बेसन में भी ऐड करूँगी, जिससे कि वड़ा बनेगा वो बाहर से ही मसालों जैसे ही बाइट लेंगे। आप इस वड़े को वैसे ही चटनी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, ये वैसे भी बहुत टेस्टी लगता है। और देखिए, मैंने यहाँ पे धनिया पाउडर, गरम मसाला, आमचूर पाउडर सारी चीज़ें ऐड कर ली हैं। और थोड़ी सी अजवाइन भी मैं इसमें ऐड कर लूँगी, सेम वैसे ही सारे मसाले जो मैंने उसमें ऐड किए थे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इस वड़ा को चटनी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं और पाव के साथ तो ये औसम ही लगता है। और देखिए, इस तरह एक बैटर रेडी हो जाएगा। अभी थिक लग रहा है लेकिन पानी नहीं डालेंगे, इसको रेस्ट पे छोड़ देंगे। और थोड़ी देर के बाद देखिए, ये ज़्यादा थिक हो गया है। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे और इसकी कंसिस्टेंसी को ठीक कर लेते हैं जिस टाइप की हमें चाहिए। अच्छे से पानी ऐड करके इसे घुमा लीजिए। बहुत ही टेस्टी और बच्चों को बहुत पसंद आने वाला, बड़े भी इसे बहुत मज़े लेकर खाते हैं। बहुत ही अच्छा एक स्ट्रीट फूड है ये, और अब तो हर जगह ही बहुत पसंद किया जाता है। और देखिए, आलू की बॉल्स को लेकर बस इस बेसन में उसकी अच्छे से एक कोटिंग कर लीजिए। आप चाहे स्पून के साथ से, चाहे अपने हैंड से ही आप उसे अच्छे से एक कोट कर दीजिए पूरे बेसन की। वैसे भी बेसन ठीक है तो अच्छे से कोट हो जाएगा। पूरी बॉल्स को अच्छे से घुमा दीजिए बेसन में ही। और मैंने वहाँ गैस पे कढ़ाई गर्म कर तेल रख दिया था, मस्टर्ड ऑयल मैंने चढ़ा दिया था गर्म, जब अच्छे से हीट हो गया। और धीरे धीरे करके मैं अपनी बॉल्स उसमें ऐड करती रहूँगी। देखिए, दो बॉल्स मैं डाल चुकी हूँ। ऐसे ही मैं धीरे धीरे करके बॉल्स को ऐड करती रहूँगी इसके अंदर। और कोटिंग पूरी आलू पे होनी चाहिए बेसन की, आराम से हो जाती है। और आराम से साइड से ही आप डाल दीजिए। ये देखिए, मैंने 4 बॉल्स एक साथ रख दी हैं। और देखिए, एकदम ही आपको नहीं टच करना है इसको, पहले इसकी हल्की हल्की को एक गोल्डन कलर की परत आ जाने दीजिए, तभी आप इसको टच कीजिएगा। नहीं तो जैसे ही बेसन में क्रैक आएगा तो सारा आलू
ऑयल पे फैल जाएगा और सारा ऑयल भर जाएगा उसके अंदर। तो इसको अपने पहले टच नहीं करना, पहले इसमें एक थोड़ी स्किन आने दीजिए गोल्डन कलर की, बेसन अच्छे से सिक जाए। या फिर देखिए इस तरीके से किसी फोक की सहायता से आप इसको हल्का हल्का रोटेट कर दीजिए। ये देखिए गोल्डन आ रहा है तो मैं इसको रोटेट कर दे रही हूँ। बस इसी तरीके से चाहे किसी स्पून से हल्का हल्का इसको टच करते हुए घुमा दीजिए, एकदम टच नहीं करना है। जब आपको लगे नहीं गोल्डन कलर आ चुका है तभी आप टच कीजिए उसे। और देखिए दो तो अच्छे से सिक चुकी हैं क्योंकि वो मैं पहले ऐड कर चुकी थी। बस इसी तरह हल्का हल्का घुमाते हुए मैं इन्हें निकाल लूँगी। दो में आ चुका है कलर तो मैं दो को निकाल लेती हूँ और दो ऑयल में रहें अपने आप रहेंगे जब तक वो सिकते हैं। मैं दो को आउट कर लेती हूँ ऑयल से और ये देखिए बहुत ही इजीली इतना टेस्टी आपका बच्चों के लिए वीकेंड स्पेशल एक रेसिपी बन के रेडी हो जाती है। बच्चों को बस डिफरेंट डिफरेंट ना ज़्यादा इसमें ऑयल है, बहुत ही यम्मी बन के रेडी होता है। आप इसे ब्रेड के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। मैं अभी पाव के साथ ही आपको दिखाऊंगी। आप इसे ब्रेड के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं और ऐसे भी आप चटनी के साथ इंजॉय कर सकते हैं। और देखिए मैंने चार वड़ा बना के रेडी कर लिए हैं, बाकी भी इसी तरह बना लूँगी। और मैंने यहाँ पाव को देखो देखिए सेंटर से कट कर लेंगे, एक सभी को मैं बीच में से सेंटर से कट कर लूँगी पाव को। और यहाँ मैंने ली है ये अंगूर और धनिया की चटनी है जिसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ। और ये है इमली की चटनी जो मैं बहुत जल्दी शेयर करने वाली हूँ। इन दोनों को ही इसमें ऐड कर लेंगे। आप इमली की चटनी के बजाय टमाटो केचप का भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे जिनके पास है। और देखिए इस तरह पूरी उस पर लगा लीजिए। एक साइड मैंने इमली की चटनी लगाई, एक साइड मैंने धनिया की चटनी ऐड कर ली है। आप एक साइड टमाटो केचप और दूसरी साइड ग्रीन चटनी कुछ भी ऐड कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनके रेडी होता है, बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। और ये वीकेंड पे आप कुछ भी स्पेशल बनाना चाहते हैं, हर कोई पेरेंट्स वीकेंड पे कुछ स्पेशल ही बनाता है, तो बस इस तरह बना के रेडी कीजिए। बड़े बच्चे सभी खुश। आप पाव की जगह ब्रेड भी इसके यूज़ कर सकते हैं और यम्मी बन के रेडी हो जाता है। और देखिए इसी तरह मैं सारे पाव को रेडी कर लूँगी। एक तरफ रेड चटनी और दूसरी तरफ ग्रीन चटनी, इस तरह मैं सारे पाव अपने रेडी कर लूँगी। और बहुत ही टेस्टी बन के रेडी होता है, आप इस तरह बनाइएगा फ्रेंड्स। एक मैं आपको इसमें क्रंच भी आएगा। ये देखिए मैंने ये सारे रेडी कर लिए हैं और इसमें मैंने चटनी लगा ली है। और इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़े से सेव, जो बहुत पतली वाली बारीक भुजिया होती है ना जो हम लोग भेलपूरी वगैरह में ऐड करते हैं ऊपर से, वो ऐड कर लूँगी। एक स्पेशल क्रंच आएगा आपके पाव में, बहुत ज़्यादा एक यूनिक पाव करते हैं, बड़ा पाव बन के रेडी होगा। और इसमें बीच में मैंने देखिए सेव ऐड कर लिया है और ऐड कर लूँगी अब वड़ा। और इसे बहुत ही ऑसम टेस्ट विथ क्रंच। तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी फ्रेंड्स? ये देखिए फ्रेंड्स बिल्कुल रेडी है। ग्रीन चटनी की बहुत सारी रेसिपीज़ मैंने अपने चैनल में शेयर की हुई हैं, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। उसमें खट्टी मीठी काफ़ी चटनी मैंने रेडी शेयर की हुई है, तो वहाँ जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ये वीडियो आपको कैसा लगा फ्रेंड्स, प्लीज़ कमेंट में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो देर किसी चीज़ की, ट्राई करो, इन्जॉय करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ये देखिए बड़ा पाव झटपट बन के रेडी हो जाता है, बच्चे खुश तो हम खुश। और तो वीकेंड पे इसे बनाइएगा और अपने कमेंट्स मेरे साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।